सर आपको मुबारक थैंक यू के लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि ये इदारा एक ऐसा इदारा है जो प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले में एक बहुत अच्छा इदारा है। इसमें कम फीसिस पे एक बहुत बच्चे की जो स्किल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। ओनली इसमें स्टडी नहीं है, इसमें आपके बच्चे को एक्टिव किया जाता है। तो आप देखेंगे इन फ्यूचर ये एक बहुत अच्छा स्कूल साबित होगा। अटक में जैसे रावलपिंडी में डिविजनल पब्लिक स्कूल है, इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा स्कूल है। आर्जी तौर पर ही है यहाँ पर इसका काम आज 1033 का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है, तो उस एक्सपीरियंस को लेते हुए जरा ये बताइएगा। पब्लिक स्कूल रावलपिंडी से आई हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे एग्जामिनेशन इंचार्ज हूँ इस नादिया में। तो जो यहाँ पे प्रोफेसर मोहम्मद यासीन मिर्ज़ा हमारे जो प्रिंसिपल डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज रावलपिंडी है, वो जो है यहाँ पे इस स्कूल के जो इफ्तिताह में और सारा जो इसको ऑर्गेनाइज करने में वो उनका जो है वो सारा कंट्रीब्यूशन है। तो उसको देखते हुए चूँकि जो वहाँ पे हमने उसकी सेम क्वालिटी एजुकेशन ये स्कूल फॉलो करेगा के लिए ये स्कूल एक ब्लेसिंग है। दे विल सी इन कमिंग फ्यूचर कि ये स्कूल बीट करेगा आपके बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स को इतनी लो फीस के साथ, और इस जगह पे ये बड़े हाई फीसेस वाले स्कूल को बीट करेगा, क्योंकि जो इसके बैक पे जो चीज़ें हैं वो इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इसका एक स्टैंडर्ड है। अटक में भी इंशाल्लाह डीसी साहब का जो ख्वाब है और जो उन्होंने विजन दिखाया है हमें और हमारी जो उनसे बातचीत हुई है इस स्कूल को लेकर और इस स्कूल के फ्यूचर के हवाले से, हम इसको उस स्टैंडर्ड पर लेकर आना चाहते हैं कि बड़े अदारों से, नामचीन अदारों से हमारा कॉम्पिटिशन रहे इंशाल्लाह, और हम उस स्टैंडर्ड की एक म्याला रवि वाले जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सकें। हमारा जो स्टाफ है वो बहुत आला क्वालिटी का स्टाफ है, और डीसी साहब ने ख़ुद उन्हें पसंद किया है, खुद इंटरव्यू किया है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाएगी हर बच्चे को, ना सिर्फ एकेडमिकली बल्कि हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनका कॉन्फिडेंस, उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट दिया जाए और उनको एक ऐसा सिटीज़न बना के पेश किया जाए जो कि इस मुल्क के लिए नाम रोशन कर सके। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तआवुन की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब ने जिस तरह कहा है तो मीडिया बरादरान और वकला बरादरान के साथ भी सपोर्ट किया जाएगा, और उनको भी इस स्कूल में हमारे साथ जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशल्स को प्रिविलेज है तो उन्हें मिलेगा, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की।